अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब हैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी एप्पल शेक की रेसिपी लेकर आ रही हूँ। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ अनिलास डाइनिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएँ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने इस तरह से एप्पल लिए हैं 2 अदद, और साथ ही मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून शुगर ली है, और दूध मैं यहाँ पे ऑलपर्स का यूज़ कर रही हूँ। आपके घर में जो भी आम रूटीन में दूध यूज़ होता है आप वो ले सकते हैं। सबसे पहले हम एप्पल का छिलका उतार लेंगे। एप्पल शेक पीने में बहुत ही मज़े का होता है और झटपट से रेडी हो जाता है, और सबसे भरकर ये बहुत हेल्दी होता है। तो आप इसे बच्चों को और बड़ों को सबको बनाकर दें, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। छिलके उतारने के बाद अब मैंने इस तरह से इसके बीज उतार दिए हैं, और अब हम एक ब्लेंडर लेंगे और उसके अंदर मैं इस तरह से एप्पल शामिल कर दूंगी, और साथ ही मैं उसके अंदर 1 गिलास दूध का भी शामिल कर दूंगी, और आप चीनी भी शामिल कर देंगे। आप चीनी को अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप कम चीनी पीते हैं तो कम डालें, और अगर ज़्यादा पीते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आइस क्यूब्स भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं, और दूध जो मैंने शामिल किया था वो भी अच्छी तरह से ठंडा दूध था। और बस अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो चलिए एक सर्विंग ग्लास लेते हैं, और उसके अंदर मैं इस तरह से इस शेक को शामिल कर दूंगी। तो लीजिए, इस तरह से हमारा ठंडा ठंडा सा एप्पल शेक बन के रेडी हो चुका है, और आप देख ही सकते हैं कि कितना गाढ़ा सा और कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है। और ऊपर से मैंने चॉप्ड किए हुए थोड़े से एप्पल शामिल किए हैं, और साथ ही मैंने साइड पर भी इसके एक एप्पल लगा दिया है। इस तरह से इसकी लुक बड़ी ज़बरदस्त आ जाती है। गर्मियों में ठंडा ठंडा एप्पल शेक बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसे ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, और चाहें तो आप दिन में किसी भी टाइम इसे बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक अच्छी सी बात के साथ वीडियो का एंड करते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।